प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते, वेलकम बैक। टुडे आई विल टीच यू अबाउट लेटर एंड एप्लीकेशन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको पत्र और प्रार्थना पत्र के बारे में बताएंगे और इस विषय पर हमारा शिक्षण कार्य अनवरत जारी है। प्रिय विद्यार्थियों, हम में से आप सभी लोग पत्र और प्रार्थना पत्र दोनों को सुनते आए हैं, समझते आए हैं, लेकिन क्या पत्र की परिभाषा आप जानते हैं? क्या पत्र को परिभाषित कर सकते हैं? विद्यार्थी, बिफोर रीडिंग अबाउट लेटर एंड एप्लीकेशन, इट इज नेसेसरी टू लर्न अबाउट लेटर देन आफ्टर एप्लीकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट लेटर मीन्स पत्र इन हिंदी। लेटर को ही हिंदी में पत्र कहते हैं। पत्र की परिभाषा क्या होती है? हाउ वन कैन डिफाइन लेटर और पत्र? पत्र को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? यह एक मुश्किल है। अतः जब किसी कागज पर कोई संदेश लिखित रूप में दिया जाता है तो इस लिखित पत्र को खत या चिट्ठी या पत्र जिसे अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। इस प्रकार आप इसे स्पष्ट रूप से जान लें कि जब किसी कागज पर किसी मैसेज को, संदेश को लिखित रूप में दिया जाता है, यह कागज प्रिंट भी हो सकता है, टाइप भी हो सकता है और हाथ से लिखा हुआ भी हो सकता है। इस प्रकार जब किसी कागज पर हम कोई संदेश हाथ से लिख करके, टाइप करके या कंप्यूटर से प्रिंट करके किसी को देते हैं तो इस लिखित पत्र को, जो लिखित कागज है, उसको हम पत्र कहते हैं, लेटर कहते हैं। अब आपको यहां पर थोड़ा सा एप्लीकेशन के विषय में बताना आवश्यक है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड एप्लीकेशन। पत्र और प्रार्थना पत्र में अंतर क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, जब हम एप्लीकेशन को पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको डिटेल डिफरेंस बताएंगे, किंतु यहां पर यह आवश्यक है जो माइन्यूट डिफरेंस होता है, अति सूक्ष्म अंतर होता है दोनों में, एप्लीकेशन और लेटर में, कि लेटर में किसी कागज पर कोई संदेश लिखा जाता है। When we write any message on paper in our own handwriting or by computer or by typewriter, then this type of
रिटर्न लेटर, रिटर्न पेपर इज कॉल्ड लेटर और चिट्ठी और खत। जब हम कागज पर कोई संदेश अपने हाथ से, कंप्यूटर से या टाइपराइटर से टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो यह जो कागज होता है जिस पर हम टाइप करते हैं, संदेश देते हैं, उसे चिट्ठी पत्र लेटर कहते हैं। एप्लीकेशन में भी कमोबेश यही स्थित होती है, लेकिन एप्लीकेशन में थोड़ा सा अंतर यह होता है कि पत्र में संदेश दिया जाता है, मैसेज दिया जाता है, किंतु एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन दी जाती है, सूचना दी जाती है। और एप्लीकेशन जो है वह हमेशा अपने से बड़ों को या किसी उच्च पदस्थ पदाधिकारी को दिया जाता है। कभी भी उच्च पदस्थ पदाधिकारी अधिकारी अपने से निम्न पदस्थ पदाधिकारी या अधिकारी को एप्लीकेशन नहीं देता है, वह लेटर लिखता है। लेकिन जब छोटे लोग लिखते हैं लेटर इन्फॉर्मेशन के साथ, तो उसको कहा जाता है एप्लीकेशन। यह बहुत सूक्ष्म अंतर दोनों में होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पत्र लेखन एक कला है, और यह कला जिसको नहीं आती वह जीवन भर जूझता रहता है। लोग उसका उपहास मचाते रहते हैं, मनाते रहते हैं, वह खिल्ली का पात्र बन जाता है। इसलिए आपको इसको ध्यानपूर्वक देखना और सुनना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि पत्र की परिभाषा आप समझ गए होंगे। पत्र और एप्लीकेशन में क्या मुख्य अंतर होता है इसको भी आप जान गए होंगे। अब हम ये बात को बताएंगे कि पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक। स्टिक साफ ये लेटर, किसी पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। पत्र चाहे जैसा भी हो, किसी को लिखा गया हो, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपको पत्र लिखने से पूर्व अपने को आश्वस्त करना चाहिए, जो किसी भी अच्छे पत्र की पहली विशेषता है वह है लैंग्वेज। आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, ऐसी ना हो कि पंचमेल खिचड़ी हो। आप खड़ी बोली में लिखते हैं पत्र, तो खड़ी बोली में लिखिए। आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो अंग्रेजी में लिखिए। आप संस्कृत में लिखते हैं तो संस्कृत में लिखिए। उर्दू में लिखते हैं तो उर्दू में लिखिए। लेकिन आपकी जो भी लैंग्वेज हो वह स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा होता है कि क्लियरिटी, क्लियरनेस। आप जो जिस भी लैंग्वेज में कोई पत्र लिख रहे हैं तो उसमें जो अक्षर होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, कोई भी पढ़ने वाला व्यक्ति उसको सुगमता पूर्वक पढ़ ले। ऐसा ना हो कि बहुत काट पीट हो, आप ओवरराइटिंग किए हो, जिससे एक अक्षर में दूसरे अक्षर का भ्रम हो जाए, अर्थ का अनर्थ निकल जाए, कामा का, बिंदु का, विराम का आप ध्यान न दें और अर्थ का अनर्थ निकल जाए। इसलिए पत्र किस उद्देश्य से आप लिख रहे हैं वह उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए। और पत्र की जो तीसरी विशेषता होती है वह होती है पोलाइटनेस, पोलाइटनेस, विनम्रता। पत्र को पढ़ने के बाद आपके शब्द ऐसे नहीं पत्र में होने चाहिए जिससे किसी प्रकार से शिष्टाचार का उल्लंघन हो, मर्यादा का उल्लंघन हो। इसलिए पत्र में विनम्रता पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा जो चौथा चीज मुख्य रूप से आता है वह आता है कि आपका
सेल्फ रिलायंस और डिसिप्लिन, आपका अपना आत्मज्ञान और अनुशासन कि किस तरीके से, अगर आप बड़े हैं तो छोटे को पत्र लिख रहे हैं तो किस तरह प्रेम पूर्वक लिख रहे हैं, या कोई अधिकारी है उसको लिख रहे हैं तो अपने अधिकारी का किस तरह से सम्मान कर रहे हैं, इत्यादि शब्दों का उचित समावेश करके ही पत्र लिखना चाहिए। ये पत्र की मुख्य रूप से चार विशेषताएं हुई। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों, क्या आप जानते हैं कि किसी पत्र के कितने मुख्य भाग होते हैं? पार्ट्स ऑफ लेटर्स, पार्ट्स ऑफ लेटर्स, किसी पत्र में कितने भाग होते हैं या किसी पत्र को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो देर आर फाइव पार्ट्स इन ए लेटर। किसी भी पत्र में पांच भाग होते हैं, किसी भी पत्र में पांच भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है द हेडिंग, द हेडिंग, इसे कुछ लोग सुर्खी भी कहते हैं। द हेडिंग के अंतर्गत जो भी व्यक्ति पत्र लिखता है, जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं किसी को तो मैं, आप लिख रहे हैं तो आप, जो भी व्यक्ति किसी को पत्र लिखता है वह कागज के दाएं तरफ कोने पर जहां रहता है, जैसे हो गया GSIC राजे सुल्तानपुर कामा लगाएंगे, नीचे अंबेडकर नगर, अपना पूरा पता लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे और इसी के नीचे अस्पष्ट अंकों में शब्दों में जिस तरह से प्रयोग करना हो दोनों मिला करके दिनांक भी लिखते हैं, डेट, जैसे आज की डेट है 10/10/2020, इसको आप लिख सकते हैं October 10, 2020, इसके लिखने के तमाम तरीके होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी लेटर के पांच भाग होते हैं और उस भाग में पहला भाग होता है द हेडिंग। इस हेडिंग के अंतर्गत जो भी व्यक्ति पत्र लिखता है वह कागज के ऊपरी तरफ अपना पता जिला सहित लिखने के बाद उसके नीचे पत्र लिखने की तिथि का भी उल्लेख करता है, इस प्रकार इसे हेडिंग के अंतर्गत माना जाता है। अब इसके बाद जो पत्र का दूसरा भाग होता है जिसे कहा जाता है द सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, अब इसके अंतर्गत आपको यह लिखना होता है कि आप पत्र अपने किसी रिश्तेदार को लिख रहे हैं, माता पिता को लिख रहे हैं, आप किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, आप किसी मित्र को लिख रहे हैं, आप पत्र किसी व्यापारी को लिख रहे हैं, या पत्र अपने प्रधानाचार्य या कक्षा अध्यापक या किसी अध्यापक को लिख रहे हैं। तो आप जब अपने माता पिता, अपने फ्रेंड, किसी बिजनेसमैन, अननोन पर्सन या ऑफिसर या टीचर, क्लास टीचर, प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखते समय हमें जो ग्रीटिंग होती है, जो सैल्यूटेशन होता है, उसका विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, जब आप लिखते हैं, सपोज कीजिए कि आपको अपने पिताजी को पत्र लिखना है तो आप वहां पर लिखते हैं माय लवली, यहां पर डियर का भी प्रयोग कर सकते हैं, फादर, माय डियर फादर, माय लवली फादर, यह जो वर्ड आप लिखते हैं इसे कहा जाता है सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। अगर आप अपने माता पिता को पत्र नहीं लिख रहे हैं
आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो अधिकारी को पत्र लिखते समय आपको माय लवली ऑफिसर नहीं लिखना चाहिए, वहां पर इसकी जगह हो जाएगा रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम, जैसे भी स्थिति रिस्पेक्टेड सर और मैडम कामा लग जाता है। यदि आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, इफ यू आर राइटिंग योर लेटर फॉर योर फ्रेंड टू योर फ्रेंड, तो उसके लिए हो जाएगा माय डियर। सपोज कीजिए कि रमेश आपका मित्र है तो माय डियर रमेश उसका नाम, मित्र का आप नाम लिख सकते हैं या रमेश की जगह माय डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं। या आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को क्लास टीचर को पत्र लिख रहे हैं तो भी आपको अधिकारियों के रूप में व्यक्त किया जाने वाला सैल्यूटेशन का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप किसी व्यापारी को लिख रहे हैं, आप किसी अननोन पर्सन को लिख रहे हैं जिसे आप नहीं जानते हैं, तो उसके लिए आप केवल लिखेंगे डियर सर ऑब्लिक मैडम। अगर पुरुष होगा तो डियर सर का प्रयोग होगा और महिला होगी तो डियर मैडम का प्रयोग होगा। इस प्रकार से आपके पत्र का एक दूसरा भाग होता है जिसे द सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम आपको यह बताना चाहेंगे कि पत्र का जो तीसरा भाग होता है वही पत्र की जान होता है, वही संदेश होता है और उसको भी लिखने की एक कला है, उसको भी लिखने की एक कला है। तो थर्ड पार्ट ऑफ द लेटर के अंतर्गत जो आता है जिसे कहते हैं द बॉडी ऑफ द लेटर, द बॉडी ऑफ लेटर, द बॉडी ऑफ लेटर, लेटर पत्र का शरीर, पत्र के शरीर के अंतर्गत आपने यहां पर एड्रेस लिख दिया, आपने यहां डेट लिख दिया और इसके बाद आपने सैल्यूटेशन में लिख दिया कि माय डियर रमेश। सपोज कीजिए आप अपने फ्रेंड को पत्र लिख रहे हैं, यहां तक तो हो गया, यह हेडिंग के अंतर्गत आ गया और यह सैल्यूटेशन के अंतर्गत आ गया बच्चों। अब तीसरा पार्ट है द बॉडी ऑफ लेटर, पत्र का शरीर, पत्र की आत्मा, पत्र का स्वरूप। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि जहां पर हमारा सैल्यूटेशन समाप्त होता है वहां हम कामा लगाते हैं और जहां तक ये वर्ड जाता है वहां तक छोड़ देते हैं। इसके नीचे इस लाइन में जो नीचे वाली लाइन होती है कुछ नहीं लिखते। अब अगली लाइन की शुरुआत इसके लास्ट लेटर के नीचे से करते हैं और लास्ट लेटर के नीचे से करते हैं, जैसे पता चला कि आपका मित्र रमेश किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है, आप उसे बधाई देना चाहते हैं, उसके साथ मिठाई खाना चाहते हैं, तो अब आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि आई हैव हर्ड दैट यू हैव पास्ड, नाम दे सकते हैं दैट एग्जामिनेशन, सो काइंडली एक्सेप्ट माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस, वेल वी विल मीट, वी मस्ट सेलिब्रेट योर सक्सेस। इस प्रकार पत्र में आप उन चीजों को लिखते हैं जो पत्र का स्वरूप होता है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आपका चयन किसी पद पर हो गया है, आपकी इस सफलता के लिए मेरी हृदय से शुभकामनाएं, मिलने पर हम दोनों आपकी सफलता को मिलकर मनाएंगे। यह पत्र की बॉडी हो गई, इसे पत्र की आत्मा कहते हैं, पत्र का स्वरूप कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों इसके बाद आता है सबसे
महत्वपूर्ण चीजों में एक चीज जो पत्र का चौथा भाग होता है उसे कहते हैं द सब्सक्रिप्शन, द सब्सक्रिप्शन, द सब्सक्रिप्शन जो चौथा भाग होता है द सब्सक्रिप्शन, द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब जो व्यक्ति पत्र लिखता है, पत्र जब पूर्ण हो जाता है तो पत्र पूर्ण हो जाने पर जहां पत्र नीचे पूर्ण हो रहा है उसके नीचे दाएं तरफ, उसके नीचे दाएं तरफ जिस सीध में हेडिंग लिखी हुई है, घर का पता लिखा हुआ है, ऊपर पत्र की शुरुआत में जहां घर का पता लिखा हुआ है उसकी सीध में नीचे पत्र लिखने वाला जब संबोधन के साथ, कौन संबोधन, सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग का भी सबको प्रयोग करता है जिसे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। जैसे आपने अपने पिताजी को पत्र लिखा है, आपने अपने पिताजी को पत्र लिखा है तो आप लिखेंगे योर्स लवली सन, योर लवली सन, ये नहीं लिखेंगे योर्स फेथफुल्ली, योर्स ओबेडिएंटली प्यूपिल, इसका प्रयोग आप नहीं करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, व्हाइल यू आर राइटिंग योर लेटर टू योर रिलेटिव और फादर यू शुड राइट ऑन द प्लेस ऑफ सब्सक्रिप्शन एज योर लवली सन, योर अफेक्शनेटली सन इत्यादि का प्रयोग करेंगे। जब आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे होंगे और यहाँ आपको सब्सक्रिप्शन में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा योर लविंग फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड, या सिंसियरली योर्स, सिंसियरली योर्स, इसका प्रयोग होंगे। जब आप अपने के बराबर पत्र लिख रहे हैं, अगर मित्र नहीं लिखे हैं, डियर फ्रेंड नहीं लिखे हैं, तो वहाँ पर हिंदी में भौतिक का प्रयोग करते हैं। भौतिक का प्रयोग समकक्षों में किया जाता है, छोटे और बड़े के बीच में नहीं होता है। अमूमन भौतिक का प्रयोग समकक्षों में किया जाता है जहाँ बराबरी होती है। इसी प्रकार अगर आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, कक्षा अध्यापक को पत्र लिखते हैं, तो सब्सक्रिप्शन की जगह आप लिखते हैं योर प्यूपिल, योर ओबेडियंट प्यूपिल, योर ओबेडियंटली प्यूपिल, आपका आज्ञाकारी शिष्य इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं द सब्सक्रिप्शन। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, जो पत्र का सबसे लास्ट बिंदु बचता है वह होता है सिग्नेचर, पांचवा। जहां आपने सब्सक्रिप्शन के रूप में लिख दिया योर लविंग सन, योर लविंग फ्रेंड, योर प्यूपिल, योर्स फेथफुल्ली, उसके नीचे पत्र लिखने वाला व्यक्ति अपना नाम लिखता है, अपना हस्ताक्षर बनाता है, अगर हस्ताक्षर बनाता है तो हस्ताक्षर करता है, अन्यथा अपना नाम लिखता है। इस तरह से पत्र जो हमारा है वो पूरी तरह से पांच भागों में होता हुआ समाप्त हो जाता है। अगले अंक में मैं आपको पत्रों के प्रकार का वर्णन बहुत विस्तार से करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।